भारत और कैनेडा विचाले वीजिया लेके राहत की खबर सामने आई है। कैनेडा विच बैठे भारतीय हाई कमिशन ने कुछ विशेष वीजा सेवावां बहाल कर दित्तियां ने, जिस नाल भारत ते कैनेडा दे रिश्ते सुधरन की उम्मीद लगाई जा रही है। कैनेडा ते भारत विचाले पखे कूटनीतिक तनाव नाल गरमाई सियासत किते भी ठंडी पैंदी नजर नहीं आ रही। 25 अक्टूबर नूं भारतीय हाई कमिशन ने एक एडवाइजरी जारी की थी, ते कैनेडा दे नागरिकां लई कुछ विशेष वीजा सेवावां मुड़ बहाल कर दित्तियां सी, पर कमिशन ने 9 श्रेणियां दे वीजे ते रोक हजे भी बरकरार रखी हुई है। भारत ने एंट्री ते मेडिकल वीजा सेवावां बहाल कर दित्तियां ने, इस दे नाल ही बिजनेस ते कॉन्फ्रेंस वीजा सेवावां नूं भी हरी झंडी दित्ती हुई है, जबकि टूरिस्ट नौकरी ते फिल्म वीजा सेवावां ते रोक जारी रखी हुई है। इस दे नाल ही मिशनरी जर्नलिस्ट ते स्टूडेंट वीजा सेवावां ते भी रोक लगाई हुई है। भारत ते कैनेडा दा यह विवाद G20 तो शुरू होया, जदों कैनेडा दे पीएम ट्रूडो ने खालिस्तानी हरदीप निज्जर दे कतल दा इल्जाम भारत ते लगाया। उदों ते ही मामला पक गया, दोहां देशां वल्लों बयानबाजियां आईयां ते 21 सितंबर नूं भारतीय हाई कमिशन ने वीजा सेवावां ते रोक लगा दित्ती। करीब एक महीने पहला शुरू होया विवाद किधरे भी थम नहीं रहा। 9 श्रेणियां दे वीजिया ते लगी रोक लोकां लई परेशानी बनी हुई है। इस विचाले ए वड्डा सवाल है कि ए रोक कदों ते कीवें हटेगी, भारत ते कैनेडा दरमियान रिश्ते कदों सुधरनगे। ब्यूरो रिपोर्ट, लिविंग इंडिया।